सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेस ये सब पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में ये मैंने एक बार रीड आउट कर दिया था आपको सबको, आज से हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में मेनली आता क्या क्या है, ठीक है, जिनके थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? सोलर एनर्जी आते हैं, विंड एनर्जी, बायोमास आता है, जियो थर्मल एनर्जी आता है, और एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स एज वेल एज टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवरसीज, ठीक है। अब देखिए, लिखा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हैव बीन यूज्ड इन पास्ट। देखिए, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रोडक्शन काफ़ी, मतलब अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है, बट उतना लार्ज स्केल में नहीं स्टार्ट हुआ। एज अ कॉमर्शियल एज अ सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी, अदर सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स एज स्टेटेड अबव स्टिल इन एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज ऑफ कॉमर्शियल यूज। देखिए, ये जो सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, इनका अभी उतना ज़्यादा यूजेस नहीं चल रहा है। इतना इनका यूज़ होता है कॉमर्शियल एनर्जी के लिए, बट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी। मेनली अपने इनिशियल स्टेजेस में ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं अभी, ठीक है ना। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसमें मेन है। अब हम समझते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। हम लोगों ने इतना सब पढ़ लिया, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब आता है। दीज आर बीइंग यूज एज डाइवर्स सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत, मतलब काफ़ी लंबे समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी को हम एनर्जी के लिए हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन इंडिया कन्वेंशनल सोर्सेस कोल एंड पेट्रोल आर बींग यूज इन टोटल डिसरिगार्ड टू द एनवायरमेंट। मतलब देखिए, यहाँ लिखा है कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके हम अपने एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, हार्म कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी आता है, एनर्जी आता है, बायोमास एनर्जी आता है। ये सारे अपने एक्सपेरिमेंटेशन स्टेजेस में, एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज मतलब अपने इनिशियल स्टेजेस में, अभी अभी ये डेवलप हुए हैं 5-6 साल पहले, और अभी इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है कॉमर्शियल एनर्जी के लिए, ठीक है। दे आर बींग डेवलप्ड सोर्स एंड ये क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को उतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है, बट कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। द प्रिंसिपल फैक्टर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल इज दैट व्हेन कन्वेंशनल सोर्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वही बात लिखी है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं ये वाले, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है, ये है, ठीक है। अब देखिए, बायो एनर्जी और बायोमास क्या है, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि देखिए, इट इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम गोबर गैस। गोबर गैस से हम बायोगैस बनाते हैं बाय पुटिंग काउ डंग इन टू द प्लांट। बाय बिसाइड प्रोड्यूसिंग गैस द प्लांट कवर्स गोबर इन टू मैन्योर। मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो बायोगैस में क्या होता है कि जो गोबर होता है उसको हम क्या कहते हैं कि प्लांट में पुट करते हैं। प्लांट जैसे ये बना है, इसमें गोबर हम डालते हैं और उसके थ्रू हम बायोगैस डिस्कवरी होती है। प्लांट बनाता है, उस क्या प्रोसेस रहता है वो हम जानने की जरूरत नहीं है। और इसमें गोबर को मैन्योर की तरह, खाद की तरह भी यूज़ करा जाता है। जो गोबर रॉकरी में बच जाता है उसको हम खाद की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैन्योर मीन्स होता है खाद। बायोगैस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग। बायोगैस का हम कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ बायोगैस, एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ बायोगैस चलाया गया था टिल 2014। एज मैनी एज 47.5 लाख बायोगैस प्लांट हैज ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश। मतलब इतने प्लांट अभी तक लग चुके हैं बायो गैस के, इनके थ्रू हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस बायोगैस इक्विवेलेंट टू 39 लाख टन। इतना हम बायोगैस प्रोड्यूस कर चुके हैं, 39 लाख टन बायोगैस प्रोड्यूस कर चुके हैं और फ्यूल वुड एवरी ईयर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट हैव ऑल्सो बीन सेटअप इन द कंट्री। दीज प्लांट प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक कुकिंग ऑफ फूड कलेक्टिवली फॉर द एंटायर कम्युनिटी और लाइटिंग द।
भाई बात है कि इंस्टीट्यूशनल बायोगैस, कई सारे इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि हम क्या कहते हैं कि कुकिंग पर्पस और कम्युनिटी पर्पस को खाना खिलाने के लिए यूज करते हैं, लाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, बायोमास क्या है? बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। बायोमास हम प्रोड्यूस करते हैं प्लांट और एनिमल के थ्रू। इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू प्लांट एंड ट्रीज। प्लांट एंड ट्रीज के थ्रू हम यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोमास प्रोग्राम इज टू इनकरेज अफॉरेस्टेशन। बायोमास, सबसे पहली बात, बायोमास पे हम क्या करते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट और एनिमल्स के थ्रू। और दूसरी बात क्या कहते हैं, बायोमास का ये ऑब्जेक्टिव कि हम अफॉरेस्टेशन करें। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, सो दैट द फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑन गैस टेक्निक कुड बी ऑब्टेन। सो फार एज 643 मेगावाट अभी तक हम प्रोड्यूस कर सके हैं बायोमास, और इट इज प्रपोज टू अचीव, हमने इतना टारगेट रखा है। ठीक है, 1900 का हमने टारगेट रखा है कि हम बायोमास हमें इतना प्रोड्यूस करना है, बायोमास के थ्रू एनर्जी इतनी प्रोड्यूस करनी है। अब हम समझते हैं प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सबसे पहली बात, प्राइमरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब कोल, पेट्रोलियम, लिगिनाइट, ये सब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर की तरफ से हमें मिले हैं। ठीक है ना, दीज आर डायरेक्टली यूज एज एनर्जी इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनको हम सीधे सीधे यूज कर लेते हैं, इनको हम कोल, पेट्रोलियम, लिगिनाइट, ये सब जितने भी हैं, इनको हम सीधे सीधे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कोल इज डायरेक्टली यूज टू रन स्टीम इंजन, जैसे कोल को हम तुरंत यूज कर लेते हैं स्टीम इंजन बनाने, स्टीम इंजन को रन करने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो हमारे प्राइमरी सोर्सेस हैं इनको हम सीधे यूज करते हैं, इनको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है किसी और चीज में, इनको हम सीधे यूज करते हैं। द सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक कोल कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी। और प्राइमरी एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी सोर्स को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राइम। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? देखिए, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन अवेलेबल, मतलब ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, इनको हमने अभी अभी डिस्कवर करा है। जैसे दीज आर ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग इनपुट इनपुट इनटू आउटपुट। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिनको हमने अभी अभी डिस्कवर करा है, हमारे पास इनपुट था, हमने आउटपुट में कन्वर्ट करा, तो हमें फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हमारा फाइनल सोर्स है, और इलेक्ट्रिसिटी हमने कैसे प्रोड्यूस करी, कोल के थ्रू करी। तो यहाँ कोल हमारा प्राइमरी सोर्स है और इलेक्ट्रिसिटी हमारा फाइनल सोर्स है, क्योंकि हमने कोल एज अ इनपुट लगा के इलेक्ट्रिसिटी एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करा। ठीक है, दीज सोर्स आर टू पास थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो फाइनल सोर्सेस होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरना होता है, मतलब फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम सीधे सीधे, हमें भगवान की तरफ से नहीं मिला है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तब हम फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी के तक पहुंचते हैं। दीज सोर्स आर टू पास थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर दे आर यूज एज एनर्जी इनपुट। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पहले कोल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो दीज सोर्स आर यूज ओनली फॉर फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सीधे हम फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम यूज करते हैं। दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इनको हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, कोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, बट क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं कोल में? नहीं कर सकते ना। तो कोल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कोल हमारा हो गया प्राइमरी सोर्स, और इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा हो गया क्या, फाइनल सोर्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया। इंडिया में एनर्जी कंजप्शन का पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजप्शन रिफर टू द परसेंटेज शेयर ऑफ, मतलब कि पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजप्शन मतलब ये होता है कि कौन सा सेक्टर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कौन सा सेक्टर कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जैसे प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, तो कौन सा सेक्टर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी स्टडीड व्हेन डिफरेंट एनर्जी सोर्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉमन यूनिट। हम ये चीज तभी समझ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये हम तभी ये समझ सकते हैं जब हम एक एनर्जी को एक कॉमन यूनिट में चेंज कर दें। जो एनर्जी है हमारे पास, जो हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं कोल के थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू, तो उनको हम अगर एक कॉमन यूनिट में चेंज करते हैं, तब हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये सेक्टर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एक बोल रहा है कि एक कॉमन यूनिट में बदलने की बात है, तो इसलिए हम एक कॉमन यूनिट है MTOE,
इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को, इसका मतलब होता है मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है, MTOE, ठीक है। तो इन इंडिया डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू कॉमन यूनिट MTOE, ठीक है। यूज पैटर्न ऑफ एनर्जी हैज अंडरगॉन अ कंसिडरेबल, देखिए बोल रहा है कि यूज जो एनर्जी का यूज है मतलब कंजप्शन है वो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि कंसिडरेबल चेंजेस से हो के, मतलब टाइम टू टाइम एनर्जी का कंजप्शन किसी किसी सेक्टर में ज्यादा हुआ है, किसी किसी सेक्टर में कम हुआ है, समझते हैं। प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी हम लोगों ने देखा था कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हैज विटनेस अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द यूज पैटर्न। मतलब बोल रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनका कंजप्शन किसी सेक्टर में कम हुआ है, किसी सेक्टर में ज्यादा हुआ है, जैसे कि नॉन कमर्शियल यूज ऑफ दिस सोर्स विच वॉज मोर देन 1/3 इन 1953 इंक्रीज टू नियरली 3/4 इन दी 2017-18। मतलब बोल रहा है कि जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी थी अब उनका यूज नॉन कॉमर्शियल यूज में ज्यादा होने लगा है। पहले 1953 में 1/3 यूज होता था, जितने भी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी थे उनका यूज पहले नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए 1/3 होता था, बट आज के टाइम 3/4 होने लगा है, ठीक है। और नॉन कॉमर्शियल कॉमर्शियल मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल क्या होते हैं, 1 मिनट रुकिए, अगर आप लोग भूल गए होंगे, अब 1 मिनट आ गया। देखिए नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है ना, कॉमर्शियल एनर्जी क्या होते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी मतलब कि जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करी जाती है, और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करी जाती है, कंजप्शन पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि आज के टाइम एनर्जी का जो कंजप्शन है, जो हमारे यहाँ एनर्जी है, जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनका नॉन कॉमर्शियल यूज ज्यादा बढ़ गया है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका नॉन कॉमर्शियल यूज क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। पहले कम था, ठीक है। नॉन कॉमर्शियल मतलब जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं घर में, अपने कंजप्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का घर में ज्यादा यूज बढ़ गया है, कोल का, ये सब, इन सब चीजों के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनका नॉन कॉमर्शियल सोर्सेस में ज्यादा यूज बढ़ गया है, ठीक है। आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब कि कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस का नॉन कॉमर्शियल सोर्सेस में ज्यादा यूज, नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए ज्यादा ये लोग यूज होने लगे हैं, नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा यूज होने लगे हैं, ठीक है। नॉन कॉमर्शियल यूज इज द प्राइमरी सोर्स, वही बात है कि 3/4 अब यूज होने लगे हैं, मैंने बता दी। इंडिपेंडेंस के टाइम 1/3 यूज होता था, आज अब इंडिपेंडेंस के टाइम 1/3 यूज होता था, मतलब कि 36% होता था, अब आज के टाइम 3/4 ये यूज होने लगा है, ठीक है। डायरेक्ट फाइनल कंजप्शन ऑफ कोल रिफरिंग टू नॉन कॉमर्शियल यूज ऑफ कोल हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस एज परसेंटेज ऑफ टोटल, इवन व्हेन टोटल कंजप्शन ऑफ कोल हैज राइजन बाय फैक्टर ऑफ 10। देखिए लिखा क्या है, प्रेजेंटली कोल इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी इन इंडिया। आज के टाइम जो ज्यादातर हमारे यहाँ प्राइमरी एनर्जी है, मतलब मैंने अभी बात करी थी प्राइमरी एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ प्राइमरी एनर्जी है वो किसके थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कोल के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। तो और इस समय इसका कंजप्शन कितना हो रहा है, 963.91 मिलियन टन्स, और कंपेयर टू 95 मिलियन टन्स होता था 1980 में। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में ये बता रहा है कि कहाँ कौन सी एनर्जी का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपको एक समझनी ही बात नहीं, बस अवर कंजप्शन ऑफ ऑयल हैज कंसिडरेबली इंक्रीज, हमारा जो कंजप्शन है ऑयल का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ओवर टाइम, फॉर विच जिसके लिए हम ज्यादातर किस में डिपेंड है, ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी बढ़ गया है 500 गुना बढ़ गया है, 68 ईयर्स में 500 गुना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या मैंने बोला, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 500 टाइम्स बढ़ चुका है 68 ईयर्स में, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यू बीज टू हाईएस्ट एज कंपेयर टू इलेक्ट, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन खूब हो रहा है, ठीक है।
अब ये क्या लिखा है, सेक्टोरियल शेयर ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज मेंटेन अ सुप्रीमेसी इन एनर्जी कंजप्शन। आज के टाइम जितनी भी हमारे एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, कंपेयर टू अदर सेक्टर ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड। इट्स कंजप्शन एस्टिमेटेड, जितनी भी हमारे एनर्जी आज के टाइम प्रोड्यूस होती है तो उसका 37.8% हमारा क्या कहते हैं टोटल कंजप्शन होता है कॉमर्शियल एनर्जी के लिए, ठीक है। कंपेयर टू 22% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर यूज कर लेता है, 21.9 एग्रीकल्चर सेक्टर यूज कर लेता है, 24.3 हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर लेता है। तो बोलने का मतलब है कि जितनी भी हमारे यहाँ एनर्जी आज के टाइम प्रोड्यूस होती है उसका 37.8% इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज कर लेता है, मतलब कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो जाती है हमारी, ठीक है। जितनी भी हमारी एनर्जी है 37.8% हो जाती है यूज। कंजप्शन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इज वेरी लो, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कॉमर्स एनर्जी का कम से कम यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लेबर में ज्यादा डिपेंड है, हैंड ऑपरेटेड टूल्स ज्यादा चलाते हैं, तो इस वजह से लो प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो बोलने का मतलब है, अभी मैंने बताया था जितनी भी हमारे यहाँ जो भी एनर्जी है, जो भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कोल पेट्रोलियम इन सबके थ्रू, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा यूज कर ले रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर उतना कॉमर्शियल एनर्जी का यूज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर लेबर में ज्यादा डिपेंड है, हैंड ऑपरेटेड मशीन ज्यादा चलाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर लो हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गरीबी हो रही और ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि लो यूज ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर पॉइंट टू द हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर, मतलब कि कॉमर्शियल एनर्जी उतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ये सब जितनी भी एनर्जी हमारी होती है जो कोल पेट्रोल के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा प्रोड्यूस यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मशीन्स का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब मशीन का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है, और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। ओवर टाइम देयर हैज बीन अ फॉल इन परसेंटेज कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी हमारा एनर्जी कम यूज कर रहा है, व्हाइल शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज टेंडेड टू राइज। एनर्जी जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज कर रहा है, मैंने 2 बार बताया आपको। इट सजेस्ट अ मैसिव एक्सपेंशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, वही बात है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से इन इंडिया एज अ शिफ्ट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री एज अ फैक्टर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए ये इमर्जिंग चैलेंजेस हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको रीड आउट करना है कि कौन सा सेक्टर क्या है, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग करो विक्रम क्लासेस।